हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कार्ड्स नंबर 7 to 40 वेर पुट इन अ बॉक्स। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड एज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल में आपके पास जो गिवन आपके पास जो कार्ड हो वो 7 के मल्टीपल में मिले, ऐसा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो 7 से लेकर 40 यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू हो गए 34। तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब 7 से लेकर 40 में 7 के मल्टीपल हुए से नंबर 7, 14, 21, 28, 35, यानी कि आपके पास टोटल कितने 5 फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओसी आउटकम इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 5/34। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द कार्ड कितने वो आपको डिसाइड करना है। तो 7 से लेकर 40 यानी कि क्या होगा, 7, 8, 9, 10 फोर वो, क्योंकि 11 से 20, 21 से 30, 31 से लेकर 40 यानी कि टोटल 34 कार्ड हो गए। और नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम के टर्म यानी कि 5 के 7 के मल्टीपल वाले कार्ड कितने हैं, 5 है। तो 5/34 आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। कि दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।